तो भैया इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो चौथा T20 मैच खेला जाएगा, इस मैच में क्या होगा, क्या होने का मतलब है? जैसे मैंने बोला था पिछले मैच में, ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में रखना और कैप्टन या वाइस कैप्टन करना, जिसने रखा होगा उसकी बल्ले बल्ले हो गई होगी। और एक चीज मैंने और बोला था, ग्लेन मैक्सवेल को कुछ भी हो जाए कैप्टन या वाइस कैप्टन जरूर करना है, जिन लोगों ने उसको भी किया होगा, मतलब ऋतुराज को कैप्टन और ग्लेन मैक्सवेल को वाइस कैप्टन, उसकी तो बल्ले बल्ले रही होगी। तो आज के मैच में किसको कैप्टन करना, किसको वाइस कैप्टन करना, ये तो मैं बताऊंगा। इसके साथ जैसे मैंने पिछले मैच में बोला था, अगर ट्रेविस हेड खेलते तो ट्रेविस हेड को टीम में रखना, जिसने रखा होगा बढ़िया किया होगा। मैंने ये भी बोला था टीम डेविड को टीम में मत रखना, टीम डेविड की परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। मैंने ये भी बोला था यशस्वी जायसवाल को भी टीम में मत रखना, जिसने नहीं रखा होगा उसके लिए तो बढ़िया रहा होगा। रवि बिश्नोई को बोला था कि बढ़िया गेंदबाजी करेंगे, विकेट चटकाएंगे, टीम में रखना, तो जिसने रवि बिश्नोई को रखा होगा टीम में उसका भी बढ़िया रहा होगा। और मैंने बोला था तनवीर सांघा को टीम में मत रखना, जिसने नहीं रखा होगा उसकी बल्ले बल्ले। तो आज की वीडियो में तो यही जानेंगे किसको रखना है को नहीं रखना, इससे क्या होगा कि हम और आप फंटेसी क्रिकेट की जो विनिंग टीम है ना, उसे बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। और मैं आपको ड्रीम इलेवन की विनिंग टीम बना के भी दे दूंगा। भाई साहब, जब इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है तो इधर उधर ध्यान क्या है, ध्यान से वीडियो देखो। और चलो फिर मैं जल्दी से स्टार्ट कर देता हूं। अगर इंडिया के खेमे में चेंजेस की बात करें तो दो चेंज होने हैं, तिलक वर्मा की जगह पे सीरियस अय्यर एंड इधर प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे दीपक चाहर, ये दो चेंज हो सकते हैं किसके, इंडिया के खेमे में। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो भैया यहां पर भी चेंज होने हैं, जोस इंग्लिश की जगह पे जोस फिलिप्पे, ग्लेन मैक्सवेल की जगह पे बेन मैकडरमट एंड मार्कस स्टोनिस की जगह पे मैथ्यू शॉट, ये तीन चेंज हो सकते हैं किसके, ऑस्ट्रेलिया के खेमे में। तो भैया जो चेंजेस करके नए खिलाड़ी आए हैं कैसी परफॉर्मेंस करेंगे, और बाकी जो पहले से खेल रहे हैं वो कैसी परफॉर्मेंस करेंगे, चलो जानते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो मैच है शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम रायपुर में खेला जाएगा। भैया इस मैदान पे ना अभी तक T20 इंटरनेशनल के एक भी मैच ना खेले गए, तो पिच के बारे में कैसे पता चलेगा, वो ऐसे ही पता चलेगा। IPL के तो 6 मैच खेले गए, जिसमें से 2 मैच में टारगेट डिफेंड, 4 मैच में टारगेट चेज, मतलब यहाँ पे देखे तो चेज थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मतलब जो टीम पहले बल्लेबाजी करने आती है वो फंसती है क्या? हाँ बिल्कुल फंसती है। चेज आसान होता है, क्यों होता है वो मैं आगे बताऊंगा। एवरेज स्कोर यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का 156, 156 रन, मतलब पहले इनिंग में रन नहीं बनता। तो बल्लेबाजों को थोड़ा सा सोच समझ के रखना हो, किसको रखना किसको नहीं रखना आगे बताऊंगा मैं। इस मैदान का जो हाईस्ट स्कोर है फर्स्ट इनिंग का 164, 164 रन, जो कि दिल्ली कैपिटल्स के नाम पर है। लोएस्ट स्कोर यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का 119, 6 विकेट, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के नाम पर है। और अगर हम यहाँ के मैदान पे हाईएस्ट टोटल चेज की बात करें तो 158, 158 रन, जिसे दिल्ली कैपिटल ने हैदराबाद के सामने 2016 में किया था। लोवेस्ट टोटल डिफेंड की बात करें तो 163 रन, जिसे हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल के सामने 2015 में किया था। भाई लोग यहाँ का जो सरफेस है ना वो हार्ड है। जब हार्ड सरफेस होता है तो क्या होता है, शुरू में तेज गेंदबाजों को हेल्प करता है, लेकिन थोड़ा बहुत बैटिंग के लिए भी ठीक ठाक होता है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, बॉल की साइनिंग खत्म होती है, बॉल पुराना होता है, पिच यूज होता है, तो जो स्पिनर्स गेंदबाज है ना उनको भी यहाँ का पिच हेल्प करने लग जाता है। तो मतलब यहाँ का जो पिच है बैलेंसिंग है, तेज गेंदबाजों के लिए भी थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत स्पिन गेंदबाजों के लिए है, और बैटिंग के लिए भी ठीक ठाक है। ऐसी पिच पर फंटेस्टिक क्रिकेट की टीम बनाना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन आप टेंशन मत लो, क्योंकि मैं एक एक चीज़ एक एक प्लेयर के बारे में बताने वाला हूँ। ऐसा करते पिच रिपोर्ट के बारे में आज ज़्यादा नहीं जानते, क्यों नहीं जानते, क्योंकि मतलब ही नहीं ज़्यादा जानने का। बस हमें यह जानना कौन प्लेयर चलेगा, कौन सा प्लेयर ना चलेगा, तो ऋतुराज गायकवाड़ का क्या होगा। तो भैया ऋतुराज गायकवाड़ ने आखिरी के 10 मैच में 490 रन बनाया है, 2 शतक 2 हाफ सेंचुरी लगाई, मतलब हर दूसरी इनिंग में ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला चलता है, बड़ी पारी आती है। ऑस्ट्रेलिया के सामने 3 मैच खेला, 181, 181 रन बनाए, यानी ऑस्ट्रेलिया के सामने पहले मैच में रन आउट जरूर हुए थे 0 पे, उसके बाद दोनों मैचों में रन बनाए। हालांकि नाथन एलिस के सामने फंसते जरूर है थोड़ा सा, और मुझे ऐसा लगता है कि आज के मैच में ना जो यशस्वी जायसवाल होंगे, क्योंकि यहाँ का जो पिच है वो थोड़ा सा स्विंग करेगा, और उस स्विंग में ऋतुराज गायकवाड़, मैंने यशस्वी जायसवाल बोल दिया उसको इग्नोर करो, ऋतुराज गायकवाड़ उस स्विंग में फंस जाएंगे 10-12-15 रन बना के। तो ऋतुराज गायकवाड़ को आज के मैच में अपनी टीम में जगह नहीं देनी चाहिए। पिछले मैच में बोला था रखना, रखा भी, बोला था कैप्टन एंड वाइस कैप्टन करना, आपने वो किया भी, लेकिन आज के मैच में इनको टीम में ही नहीं रखना, तो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन करने की दूर की बात है। बाकी अगर हम यहाँ पे यशस्वी जायसवाल की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 323 रन बनाए, 3 हाफ सेंचुरी लगाई। यशस्वी ना हमेशा ना तेज पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं। बाकी जो ऑस्ट्रेलिया के सामने 3 T20 मैच खेला उसमें 80 रन बनाए किसने, यशस्वी जायसवाल ने।
नाथन एलिस एंड जैसन बोरेंडॉफ के सामने फंसते जरूर है, लेकिन मुझे लगता है यशस्वी जायसवाल ना आज की भी मैच में ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाएंगे। ताबड़तोड़ शुरुआत दिलवाने का मतलब है कि 40-50 रन बहुत तेजी के साथ खेलेंगे, हो सकता है लंबी भी संबी पारी भी खेल जाएं। तो ऋतुराज गायकवाड़ को भी ना हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह, यशस्वी जायसवाल को भी ना हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। किसको? यशस्वी जायसवाल को, और हो सके तो कैप्टन या वाइस कैप्टन भी कर दो। किसको? यशस्वी जायसवाल को। बाकी अगर हम यहाँ पे ईशान किशन की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 287 रन बनाए, 3 हाफ सेंचुरी लगाई, 10 मैच 287 रन ठीक ठाक कहूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा जबरदस्त या खतरनाक नहीं कहूंगा। ऑस्ट्रेलिया के सामने 3 मैच खेला, 110 रन बनाए, तो मतलब 2 मैचों में हाफ सेंचुरी लगाई, बस पिछले मैच में ज्यादा कुछ ना कर पाए। ईशान किशन, केन रिचर्डसन एंड तनवीर सांघा के सामने फंसे जरूर है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह की लय में है ना, हो जाता है एक आधा मैच में रन नहीं निकलते। मुझे लगता है आज के मैच में ईशान किशन के बल्ले से भी 50-60-70 की पारी निकलेगी, साथ में विकेट कीपिंग करते तो वहां से भी ठीक ठाक पॉइंट्स देंगे। तो ईशान किशन को भी ना हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। जगह देने के साथ साथ हो सके तो कैप्टन या वाइस कैप्टन करें। किसको? ईशान किशन को। सीरियस अय्यर की बात करें, आखिरी के 10 मैच में 273 रन बनाए, 2 हाफ सेंचुरी लगाई या 3 हाफ सेंचुरी लगाई, तो मतलब 10 मैच 273 बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा। ऑस्ट्रेलिया के सामने इससे पहले 2 T20 मैच खेला, सिर्फ 12 बनाए, यानी ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरियस अय्यर का जो रिकॉर्ड है वो उतना ज्यादा अच्छा वच्छा ना है। और मुझे लगता है आज की भी मैच में ना सीरियस अय्यर कुछ अच्छा वच्छा ना कर पाएंगे, 2-4-5-10 रन बना के निपट जाएंगे। तो सीरियस अय्यर भाई साहब को अपनी टीम में रखें, है रहने दो, जब 10-12 बना रहे तो क्यों रखना, इनको नहीं रखते। वहीं बात करें सूर्य कुमार यादव की, आखिरी के 10 मैच में 413 रन बनाए, 1 शतक, 3 हाफ सेंचुरी लगाई, मतलब सूर्या T20 में बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करता है। ऑस्ट्रेलिया के सामने 6 T20 मैच खेला, उन 6 T20 में 280 रन बनाए, 2 हाफ सेंचुरी लगाए, तो मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस करी है ऑस्ट्रेलिया के सामने, बहुत जबरदस्त या खतरनाक ऐसी भी नहीं करी। एंड एरोन हार्डी के सामने सूर्य कुमार यादव आउट जरूर हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है आज के मैच में ना फिर से ताबड़तोड़ 40-50-60 की पारी सूर्य कुमार यादव आपको खेलते नजर आएंगे। तो सूर्य कुमार यादव को भी ना हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। रिंकू सिंह की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 331 रन बनाए, 3 हाफ सेंचुरी लगाए, भैया 60वें नंबर पे खेलते हुए अगर 10 मैच में 331 कोई बनाता है ना तो समझ लो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के सामने जो 3 T20 मैच खेला, 1 में बल्लेबाजी का नंबर नहीं आया, 2 में नॉट आउट गए अपनी टीम को मैचेस जिता के, 53 रन बनाए, तो ऑस्ट्रेलिया के सामने भी जो इनका रिकॉर्ड है काफी ज्यादा बेहतर है। और मुझे लगता है आज की भी मैच में ना अच्छा फिनिश करेंगे 30-35-40 रनों का, जैसे हर मैच में करते हैं। तो रिंकू सिंह को भी अपनी टीम में जगह दे देनी चाहिए। अक्षर पटेल की बात करें, आखिरी के 10 मैच में 137 रन बनाए, 9 विकेट निकाला, बल्लेबाजी का नंबर बहुत ही कम आता है लेकिन विकेट तो 9 निकाले, एक आधा विकेट सभी मैच में चटका ही देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सामने 6 T20 मैच खेला, 8 रन बनाए, क्योंकि बल्लेबाजी 6 में से 2-3 मैच में आई नहीं और जिसमें आई उसमें चले ना, लेकिन 10 विकेट निकाला। तो ऑस्ट्रेलिया के सामने एक आधा 2 विकेट सभी मैचों में अक्षर पटेल चटका ही देते हैं। मुझे लगता है आज की भी मैच में हो सकता है बल्लेबाजी का नंबर भी आए और 15-20-25 रन की पारी खेले, एक आधा 2 विकेट भी अक्षर पटेल चटकाएंगे, तो अक्षर पटेल को भी हमें अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। बाकी अगर हम यहाँ पे दीपक चाहर की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 15 विकेट चटकाए, 10 मैच 15 विकेट, मतलब 1-2 विकेट सभी मैचों में निकाल लेते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने 3 T20 मैच खेला, बस 1 विकेट निकाले। तो ऑस्ट्रेलिया के सामने दीपक चाहर का जो रिकॉर्ड है भाई साहब वो तो अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है पहले अच्छा नहीं था तो कोई बात नहीं, आज अच्छा करेंगे, 1-2 या 3 विकेट दीपक चाहर निकालेंगे, तो दीपक चाहर को भी हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। रवि बिश्नोई की बात करें तो इन्होंने आखिरी के 10 मैच में 17 विकेट निकाले, 10 मैच 17 विकेट, मतलब कमाल ही गेंदबाजी कर रहे हैं। जो 3 मैच खेला ऑस्ट्रेलिया के सामने उसमें 6 विकेट चटकाए, तो मतलब किसी में 2, किसी में 3, किसी में 1 ऐसे विकेट निकाले, तो मुझे लगता है आज भी ना वैसी गेंदबाजी करेंगे, 1-2 या 3 विकेट निकालेंगे। तो रवि बिश्नोई को भी हमें आज की टीम में अपने, मतलब जो भी टीम बनाते हो ड्रीम इलेवन या फंटेसी जो भी खेलते हो उसमें जगह दे देना चाहिए। अर्शदीप सिंह की बात करें, आखिरी के 10 मैच में 9 विकेट चटका है, मतलब अर्शदीप सिंह को विकेट नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया के सामने जो 3 T20 मैच खेला उसमें 2 विकेट चटका है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के सामने भी जो इनकी गेंदबाजी है बिल्कुल टाइट टाइट फिस रहती है। और मुझे लगता है आज की भी मैच में हो सकता है एक आधा विकेट मिल जाए या ना मिले, साथ में थोड़ा सा महंगे भी साबित होंगे, कौन? अर्शदीप सिंह। तो अर्शदीप सिंह को अपनी टीम में जगह देनी चाहिए ना जी, बिल्कुल भी इनको जगह ना दें अपनी टीम में। आवेश खान की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 12 विकेट निकाले, 10 मैच 12 विकेट, जो पिछला मैच रहा था ऑस्ट्रेलिया के सामने उसमें 1 ही विकेट मिला था, आप सबको पता है, थोड़ा ठीक ठाक गेंदबाजी करी थी, लेकिन मुझे लगता है आज के मैच में ना आवेश खान की भी पिटाई होगी, हो सकता है विकेट एक आता मिले या सकता है वो भी ना मिले, पिटाई तो होगी किसकी? आवेश खान की। तो आवेश खान को भी ना हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह नहीं देनी चाहिए।
वहीं अगर हम यहाँ पे ट्रेविस हेड की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 297 रन बनाए, 3 हाफ सेंचुरी लगाए, तो मतलब टी20 में जो ट्रेविस हेड की परफॉर्मेंस है ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ज्यादा जबरदस्त या खतरनाक नहीं बोलूंगा। इंडिया के सामने 5 टी20 मैच खेला, 120 रन बनाए, अभी तक इंडिया के सामने टी20 में एक भी हाफ सेंचुरी ट्रेविस हेड नहीं लगा पाए। और पिछले मैच में आवेश खान ने इनको लूट लिया था, मतलब आउट कर दिया था, तो ट्रेविस हेड का क्या होगा आज के मैच में? मुझे लगता है आज के मैच में ना ट्रेविस हेड का बल्ला नहीं चलेगा, मुझे लगता है 2-4-5 रन बना के निपट जाएंगे, लंबी संबी पारी ना खेलेंगे, तो ट्रेविस हेड से ना हमें आज के मैच में थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। बाकी अगर हम यहाँ पे जोस फिलिप्पे की बात करें तो इन्होंने आखिरी के 10 मैच में 237 रन बनाए, 10 मैच 237 रन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन मान लो जोस फिलिप्पे कमाल का बल्लेबाज है और मुझे लगता है आज के मैच में ना जोस फिलिप्पे का बढ़िया परफॉर्मेंस आएगी, 50-60-70 रन की बल्लेबाजी कर सकते हैं, इतने रन बना सकते हैं कौन, जोस फिलिप्पे। तो जोस फिलिप्पे को ना हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह देनी चाहिए, जगह देने के साथ साथ इस लौंडे को ना कैप्टन या वाइस कैप्टन भी आप कर सकते हैं। बेन मैकडरमट की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 267 रन बनाए, 3 हाफ सेंचुरी लगाई, 10 मैच 267 मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है। इंडिया के सामने से पहले 3 टी20 मैच खेला, बस 40 रन बनाए थे। इंडिया के सामने बेन मैकडरमट का जो रिकॉर्ड है वो भी कुछ खास नहीं है और मुझे लगता है आज के मैच में बेन मैकडरमट कुछ खास परफॉर्मेंस कर भी ना पाएंगे, आएंगे जल्दी पवेलियन लौट जाएंगे, तो बेन मैकडरमट से भी ना हमें आज के मैच में बच के रहना चाहिए। मैथ्यू शॉर्ट की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 204 रन बनाए, 2 विकेट निकाला, तो इनकी भी जो इंटरनेशनल के हिसाब से टी20 में परफॉर्मेंस है ना तो बल्ले से ना तो गेंद से कुछ खास नहीं है। जो भारत के सामने 2 टी20 मैच खेला उसमें 32 रन बनाए, 1 विकेट निकाला, तो भारत की भी सामने जो परफॉर्मेंस थी वो भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही। और ये भाई साहब ना रवि बिश्नोई के सामने काफी बार फंस भी चुके हैं, तो मुझे लगता है मैथ्यू शॉर्ट भी ना आज के मैच में ना तो बल्ले से कुछ खास परफॉर्मेंस करके देंगे, ना तो गेंद से कुछ खास परफॉर्मेंस करके देंगे, तो भाई साहब इनसे मतलब क्या नाम है मैथ्यू शॉर्ट, हाँ मैथ्यू शॉर्ट से भी ना हमें आज के मैच में थोड़ा सा बच के ही रहना चाहिए। टिम डेविड की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 294 बनाए, 6वें नंबर पे बल्लेबाजी करते हुए 10 मैच में 294 बनाए ना, तो कहीं ना कहीं बढ़िया फॉर्म में है। भारत के सामने 6 मैच खेला, 130 रन बनाए, तो भारत के सामने जो काम है इनका बढ़िया फिनिश करना वो तो किया है। रवि बिश्नोई एंड अक्षर पटेल यानी स्पिनर्स के सामने थोड़ा सा टिम डेविड फंसते हैं, लेकिन मुझे लगता है आज के मैच में ना बढ़िया पारी खेलेंगे, 50-60-70 रन की पारी खेल सकते हैं टिम डेविड, तो टिम डेविड भाई साहब को भी ना हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह देनी चाहिए और हो सके तो कैप्टन या वाइस कैप्टन भी टीम डेविड को ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर हम यहाँ पे मैथ्यू वेड की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 274 बनाए, 10 मैच 274 सातवें नंबर के बल्लेबाज के हिसाब से भाई मेरे हिसाब से तो बढ़िया है। भारत के सामने जो 13-14 टी20 मैच खेला, 429 रन बनाए, पिछले 7-8 मैचों में ना 60 के आसपास का भारत के सामने एवरेज है किसका, मैथ्यू वेड का टी20 में, मतलब भारत के सामने कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं मैथ्यू वेड। अक्षर पटेल एंड दीपक चाहर के सामने फंसते जरूर है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह की लैम है ना आज की भी मैच में अच्छी बल्लेबाजी करके देंगे, अच्छी बल्लेबाजी करने का मतलब है 30-35-40 रन की ताबड़तोड़ फिनिश करके देंगे, तो और साथ में विकेट कीपिंग करते तो वहां से भी पॉइंट्स देंगे, तो मैथ्यू वेड को भी ना हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। बाकी अगर हम यहां पे एरोन हार्डी की बात करें तो इन्होंने आखिरी के 10 मैच में 136 रन बनाए, 6 विकेट निकाला, 136 6 विकेट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं है इंडिया के सामने। तो इंडिया के सामने एरोन हार्डी ने जो 2 टी20 मैच खेला, एक में तो बल्लेबाजी का नंबर ना आया, एक में 16 रन बनाए और एक विकेट निकाला, तो एरोन हार्डी की जो परफॉर्मेंस है वो भी कुछ खास नहीं है और अर्शदीप सिंह के सामने थोड़ा सा ये फंसे भी थे, लेकिन मुझे लगता है आज के मैच में ना बढ़िया ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करके देंगे एरोन हार्डी, एक आता विकेट 25-30 रनों की पारी, तो एरोन हार्डी को भी ना हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। बाकी केन रिचर्डसन की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 13 विकेट, 10 मैच 13 विकेट बहुत अच्छा है ना जी, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इंडिया के सामने 2 टी20 मैच खेला, बस एक विकेट चटका है, तो इंडिया के सामने ज़्यादा विकेट विकेट केन रिचर्डसन को नहीं मिलता, मुझे लगता है आज के मैच में एक आधा विकेट मिलेगा, ज़्यादा विकेट विकेट ना मिलेगा केन रिचर्डसन को, तो इनको अपनी टीम में जगह नहीं देनी चाहिए। नाथन एलिस की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 15 विकेट चटकाए, 10 मैच 15 विकेट मतलब 1-2 विकेट सभी मैचों में ले लेते हैं। इंडिया के सामने 4 मैच खेला, 6 विकेट चटकाए, इंडिया के सामने इनका परफॉर्मेंस ऐसी होती है एक मैच में कुछ नहीं कर पाते फिर अगले मैच में 3 विकेट लेते हैं, ऐसा एक बार नहीं 2 बार ही कर चुके हैं, मुझे लगता है पिछले मैच में कुछ नहीं लिया था, आज के मैच में 2-3 विकेट ले जाएंगे कौन, नाथन एलिस, तो नाथन एलिस को हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। जैसन बेरनडॉर्फ की बात करें, आखिरी के 10 मैच में 14 विकेट निकाले, 10 मैच 14 विकेट, जिस तरह से यहाँ का पिच स्विंग करेगा ना इनके लिए बढ़िया रहेगा, इंडिया के सामने 6 मैच खेला, 7 विकेट निकाले, बहुत अच्छा आंकड़े नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से स्विंग करेगा इस मैदान पे रायपुर के, 2-3 विकेट ये भी निकाल सकते हैं कौन,
जैसन बैरनड्रॉप। तो जैसन बैरनड्रॉप को भी ना हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। तो भैया हमने यहाँ पे सभी प्लेयर्स के बारे में जान लिया कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, कौन हो सकता है फ्लॉप। उम्मीद है हेल्प मिलेगी फैंटेसी क्रिकेट की टीम बनाने में। बाकी मेरी टीम का इंतजार करें तो भैया हो गया खत्म इंतजार। ये रही मेरी टीम, जो मैंने टीम बनाई है ना बहुत ही एनालिसिस करने के बाद बनाई है। अगर आप इसके साथ जाएंगे तो आपके विन करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाले हैं। बाकी अगर आपको इस मैच की 2-3 विनिंग टीम चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है ना वहां पे भी लिंक मिल जाएगी, अपसा बिन फैंटेसी के नाम से है। मैच स्टार्ट होने के 1 घंटे पहले आपको इस मैच की ड्रीम 11 की विनिंग टीम मिलेगी। कहां पे? मेरे टेलीग्राम पे, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 3। तो मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की पिच रिपोर्ट, मैच प्रीव्यू एंड फैंटेसी पिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।